तो बच्चों, कल की लास्ट क्लास में अपन लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनिश कर दिया है, और अभी अपना अगला चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, थोड़ा साइज़ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ स्लाइड को, एक मिनट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। हम वैसे हमने चैप्टर टू में पढ़ा था कि करंट के टाइप क्या होते हैं, और उसी टाइप को थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना है। उसी टाइप को हमको करंट को थोड़ा आगे बढ़ाना है। चलिए, हो गया ये। ओके बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, और रिमूव सिलेबस की बात की जाए तो इससे कुछ खास रिमूव नहीं हुआ है इस चैप्टर से, है ना, इससे कुछ ज़्यादा रिमूव नहीं हुआ है। देखना भाई, कुछ रिमूव हुआ तो बता देना बाद में मेरे को। आइए स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट। ओके, ईएमएफ का नाम तो भैया सब लोग जानते हो। ईएमएफ का नाम क्या होता है, ईएमएफ होता क्या है? ईएमएफ एक्चुअली एक तरीके से अप्लाइड वोल्टेज होता है, जिस वोल्टेज को दे करके आप पूरे सर्किट को गवर्न करते हो, है ना, वो क्या होता है ईएमएफ। बट अभी तक जो आप वोल्टेज लगाते थे वो कितना लगाते थे भाई? 2 वोल्ट लगाते थे, 3 वोल्ट लगाते थे, 4 वोल्ट लगाते थे, 6 वोल्ट लगाते थे। मगर अभी तक का जो वोल्टेज था बच्चों, उसका बिहेवियर क्या था कि जो वो वोल्टेज जो था, ये टाइम के साथ जैसे आपने 4 वोल्ट लगाया है तो वो 4 का 4 ही चलता जाता था। मतलब आपने देखा 1 सेकंड के बाद कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट, 2 सेकंड के बाद कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट, 3 सेकंड के बाद कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट, 5 सेकंड के बाद कितना है, 4 वोल्ट। तो बेटा ये कहलाता था अपना डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। और डीसी वोल्टेज देने के लिए जो बैटरी यूज़ होती है ना, उसको बोलते हैं डीसी बैटरी। ये 2 डंडे वाली बैटरी जो होती है बेटा, इसको डीसी बैटरी बोलते हैं। प्लेन इसको ऐसे बनाया जाता है, ये इसका प्लस वाला टर्मिनल और ये इसका माइनस वाला टर्मिनल, ये डीसी बैटरी कहलाती है। चलो अच्छी बात है, तो ये डीसी वोल्टेज था। अब हमें क्या पढ़ना है, डीसी वोल्टेज लगाते थे तो होता क्या था, जब आप किसी सर्किट में फिक्स वोल्टेज लगाते थे तो वो सर्किट फिक्स अमाउंट में करंट देता था, क्योंकि सर्किट का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो करंट कितनी बनेगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ओम्स लॉ से बेहद सिंपल रिलेशन आप जानते हो। ओके, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। मैंने बोला भैया आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 20 वोल्ट का आपने ईएमएफ लगाया है, यहाँ बैटरी लगाई है, और रेजिस्टेंस है सर्किट का 2 ओम, तो बोले करंट कितनी बनेगी, कट गया 10 एम्पियर आ गई करंट की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, करंट कैसी जाती थी, देखो वोल्टेज का बिहेवियर क्या होता था, ये टाइम था, ये वोल्टेज था, वोल्टेज फिक्स हुआ करता था। अब जब वोल्टेज फिक्स है तो करंट भी बिल्कुल फिक्स होती थी। ये देखिए, ये करंट जा रही है, ये देखिए। ओके, करंट भी जो है ना बढ़ रही ना घट रही है, हर समय सेम है। क्यों? जैसा वोल्टेज लगाओगे वैसी करंट बनी, समझ गए ना। जब आप कुछ नहीं बदलोगे तो वो भी बिल्कुल उसी तरीके से, कि अगर आप सेम लेवल का अगर आप खाना खा रहे हो तो आपकी हेल्थ भी कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके, हेल्थ भी आपकी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। बट अगर आप अपने, ये हेल्थ है और ये आपकी फूड हैबिट है, फूड हैबिट है, ठीक है ना। तो अगर आपने अपने ये सॉरी टाइम है, तो अगर आपकी फूड हैबिट कांस्टेंट बनी हुई है तो बदले में आपकी हेल्थ भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट यदि आपकी फूड हैबिट बदलेगी तो आपकी हेल्थ भी जो होगी बदलेगी। तो उसी तरीके से अगर आप बदलने वाला वोल्टेज लगाते हो तो बदलने वाले वोल्टेज को कैसे शो करते हैं, ये कहलाता है बेटा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, इसको बोलते हैं एसी वोल्टेज। हालांकि नाम होता अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मगर अब वो चला आ रहा है एसी एसी डीसी एसी डीसी, तो उसको पूरे को मिला करके क्या बोला जाता है, एसी वोल्टेज या एसी ईएमएफ, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और बदलते हुए वोल्टेज के साथ जो करंट डेवलप होगी वो बदलती रहेगी। अब एक चीज़ जानना, क्योंकि डीसी को सारे सिंबल बड़े होते हैं और एसी के सारे सिंबल क्या होते हैं, स्मॉल। तो बेटा वहाँ पर डीसी में हम लिखते थे कैपिटल आई, मतलब कांस्टेंट करंट। कैपिटल आई मतलब क्या, कांस्टेंट करंट, जो टाइम के साथ ना बदले। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे वी यूज़ करते थे कांस्टेंट वोल्टेज, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल आई और स्मॉल वी। समझ गए बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये है बदलने वाली करंट जिसको बोलते हैं वेरिएबल करंट, और ये है बदलने वाला वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज। अब वेरिएबल मतलब बदलने वाला, बट हमको जो पढ़ना है बदलने का एक विशेष अंदाज पढ़ना है। वो अंदाज है जैसे सांप चलता है ना, तो सांप कैसे चलता है, लहरा लहरा करके चला करता है। ये सांप का क्या स्टाइल है, ये सांप के चलने का
स्टाइल है। तो ऐसे ही हमें बदलाव तो चाहिए है, मगर करंट ऐसी पढ़नी है जो इस तरीके से मूव हो, मतलब कुछ इसका पार्ट प्लस और कुछ पार्ट माइनस, कुछ पार्ट प्लस कुछ पार्ट माइनस। तो ऐसी करंट जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स में चला करती है, मतलब पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, फीलिंग लाओ। जब आप करंट की एक्सेस बनाओगे और यहाँ पर टाइम होगा, तो ऊपर वाली करंट मानी जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव करंट का मतलब डायरेक्शन एक तरफ और नेगेटिव करंट का मतलब डायरेक्शन दूसरी तरफ। तो एक करंट की डायरेक्शन ऊपर यदि प्लस आ गया तो ये माइनस। तो सीधी सीधी बात है, अगर कोई करंट ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर अल्टरनेटिवली अपनी डायरेक्शन को बदलेगी तो ऐसी करंट को हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। और यहीं पर वोल्टेज लगा दो कि अगर कोई वोल्टेज टाइम के साथ अल्टरनेटिवली अपनी वैल्यू को प्लस और माइनस करके बदलता जाता है, तो ऐसे वोल्टेज को हम बोलते हैं एसी वोल्टेज। कहो मित्रों, कथा का पहला अध्याय समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए। तो भैया ये है अपना अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बेटा एलिस, तुम्हारी आवाज़ नहीं आई, क्या हो गया तुम्हें, समझ में नहीं आया क्या एलिस? समझ में आया? यस सर। चलो, तो ये बेटा अपना कहलाता है ऑल्टरनेटिंग। अभी ये मैंने आपको थोड़ी सी आउटलाइन दी, आइए चैप्टर के अंदर घुसते हैं। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, यस, स्लाइड शो हाजिर किया जाए भाई, ये आ गया स्लाइड शो। ओके, चलिए पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। पढ़ो हंशिका, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। Alternating EMF is that EMF which continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction. मैग्नीट्यूड में बदलना मतलब कि कम होना, ज्यादा होना, ज्यादा होना, कम होना, है ना, कम होना, ज्यादा होना। और यार कोई चीज अगर डायरेक्शन बदलेगी, कोई चीज अगर प्लस से माइनस जाएगी, तो बिना कम हुए तो जा ही नहीं सकती ना। आपके मार्क्स अगर प्लस से माइनस हुए तो बीच में क्या जीरो नहीं पड़ेगा? बेशक पड़ेगा, है ना। अगर आपकी ग्रोथ जो है प्लस से माइनस गई है, तो कहीं ना कहीं बीच में जीरो भी आया होगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, एक ऐसा ईएमएफ जो समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ अपने डायरेक्शन को बदलता है, अपने मैग्नीट्यूड को बदलता है, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़िए बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट। Alternating current is that current which continuously changes in magnitude and इट्स periodically मैग्नीट्यूड, reverses. हाँ ठीक है, विच, हाँ ठीक है चलेगा। विच कंटिन्यूअसली चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सस इन डायरेक्शन, जो पीरियोडिकली मतलब एक निश्चित समय के बाद, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद, है ना, जैसे अपना हैप्पी न्यू ईयर आता है एक 365 दिनों के बाद आता है, तो एक एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई करंट अपनी वैल्यू को बार बार अल्टरनेटिवली बदल रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव कर रही है ना, तो उसको बोलेंगे अपन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। बच्चों ऑल्टरनेटिंग के जो दो मोड हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, जो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के दो मोड हमें पढ़ने हैं, वो है साइनोसोइडल। क्यों साइनोसोइडल? क्योंकि हमें साइनोसोइडल वोल्टेज जनरेट करना आता है। कब किया था? इसके पहले चैप्टर में हमने जब आपको ईएमआई पढ़ाया था, तब याद कीजिए मैंने एक कॉइल को इस तरीके से रखा था और मैंने कहा था जब आप इस कॉइल को घुमाते हो तो याद कीजिए वहां का जो वोल्टेज आया था वो आया था ई जीरो साइन ओमेगा टी, यस ये था। तो ये जो कर्व है, ये जो वोल्टेज है, ये कौन से फंक्शन को फॉलो कर रहा है? साइन को। मतलब इसका ग्राफ कैसा जाएगा? मैंने बताया था जैसे साइन वेव का ग्राफ होता है, साइन वेव का ग्राफ साइन जीरो पे जीरो होता है, बाकी सांप दौड़ा दीजिए, ये ग्राफ होता है। मैक्सिमम वैल्यू जाएगी ई नॉट, मिनिमम वैल्यू जाएगी माइनस ई नॉट। तो ये है क्या? ऑल्टरनेटिंग है, बिकॉज प्लस और माइनस के क्रम में चल रहा है, और इसका जो पैटर्न है बच्चों वो साइन वेव को फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं साइनोसोइडल, साइनोसोइडल ईएमएफ, है ना। दिस इज कॉल्ड साइनोसोइडल, साइन वेव को फॉलो करने वाला, दैट इज कॉल्ड साइनोसोइडल। ओके, दो मिनट रुकी, हाँ सही हो गया, साइनोसोइडल वेव, ठीक है ना। तो साइनोसोइडल ईएमएफ है ये, क्योंकि साइन वेव को फॉलो कर रही है। चलिए आइए देखते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग, अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें ईएमएफ लेना है। तो हमारे पास दो पैटर्न बन सकते हैं, या तो ई इक्वल्स टू
आप तो साइन को मान लें अपना, तो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ये बना लें। तो साइन का ग्राफ किस तरीके से आता है बच्चों, जीरो से, बिकॉज साइन जीरो इक्वल टू कितना होता है, जीरो। ये क्या है टाइम, ये क्या है टाइम, और ये क्या है ईएमएफ एट एनी टाइम टी, ये मैक्सिमम ईएमएफ है ई नॉट, और ये मिनिमम ईएमएफ है माइनस ई नॉट। बच्चों जहाँ समझ में ना आए मेरे को रोक करके पूछना। ये हो गया ई साइन वाला ग्राफ, कब, जब आपकी क्वाइल जो थी, पिछले चैप्टर से रिलेट करेंगे, जो बच्चे पिछला चैप्टर नहीं पढ़े वो थोड़ा सा इस चीज़ को दिक्कत महसूस करेंगे, जब आपकी क्वाइल यहाँ से शुरू होती थी घूमना परपेंडिकुलर मोड से। और दूसरा मैंने बताया था साइनोसोइडल ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये ग्राफ आया था, तो ये आया था इस तरीके से, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती, कॉस जीरो क्या होता, वन। तो जब कॉस जीरो में इसका कॉस की वैल्यू वन आएगी और वन में ई नॉट का मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू कहाँ से सेट होगी, ई नॉट से। वहाँ पे कहाँ जीरो होता था, जीरो पे, तो जीरो इंटू जीरो इंटू समथिंग बराबर जीरो हो जाता था। तो यहाँ पे वैल्यू जीरो से सेट होती थी और यहाँ पे वैल्यू ई नॉट से सेट होगी। यस राज समझ में आया? यस सर। हाँ भाई बच्चों, तो ये हो गया भैया अपने पास, एक साइन का वेव हो गया और ये कॉस का वेव हो गया। अब आइए देखते हैं इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। तो दो हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली कि साइनोसोइडल ईएमएफ क्या होता है, हमने डेफिनेशन देख ली, सॉरी, कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, साइनोसोइडल नहीं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या, ईएमएफ क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। अब आइए कुछ पैटर्न देखते हैं। ये देखिए पहला पैटर्न, ये क्या है बच्चों, टाइम एक्सेस है या थीटा एक्सेस है। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी, पिछले बता चुके हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिख दीजिए, मैथ्स वालों को बहुत अच्छे से आती होगी, है ना, थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, है ना, 90 का टेबल पढ़ते जाओ, 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, 94 जा 360, बस पढ़ते जाओ। और ये देखिए पाई बाय टू टी टोटल टाइम पीरियड का 1/4, पाई मतलब हाफ, 3 पाई मतलब 3t/4, और 1 2 पाई मतलब एक क्वाइल जो है एक राउंड घूम करके अपनी स्थिति पे वापस आ गई, दैट इज कॉल्ड फुल टाइम पीरियड टी। अब ये देखिए साइन का ग्राफ बनाना है, कई बार बता चुका हूँ इस तरीके से ग्राफ जाएगा। फील करने वाली बात क्या है, फील करने वाली बात ये है कि ग्राफ का फ्लो देखो, जीरो से स्टार्ट हुआ, ग्राफ का फ्लो देखो, जीरो से स्टार्ट हुआ और एक चक्कर मार करके 360 डिग्री, ये देखो 360 पे एक चक्कर हो गया। और आपको पता है ना, आप खुद अपनी जगह पे खड़े होकर घूम जाओ, कितना एंगल लगेगा आपको वापस अपने आने में, 360। तो उसी तरीके से साइनोसोइडल करंट को एक चक्कर पूरा करने में कितना एंगल लगता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री में उसका एक टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी। अब ये थोड़ा 11th क्लास का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा वेव वगैरह, ये वहाँ का टॉपिक है। चलो तो ये बता दिया मैंने, ओके। हाँ जी, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, वेरी सिंपल, ओके यस। अब चलो पूछते हैं जरा सा भाई, करंट क्या होता, ऑल्टरनेटिंग करंट, आई इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर। तो अगर यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज क्या है, ई है, और अपॉन आर अप्लाई करोगे तो जो वैल्यू है ई से थोड़ी सी कम आएगी ना, क्योंकि डिवीजन होने में वैल्यू कम हो जाती है। तो ये देखिए नीचे से चुपके से करंट निकल रही है। अब एक चीज को देखो, ये आई है, ई नॉट है, ई एम एफ की मैक्सिमम वैल्यू, और ये अगर अगर आपका वोल्टेज डांसिंग है तो करंट भी कैसी निकलेगी, डांसिंग, समझ गए ना, बिल्कुल। अगर बाप डांसिंग है तो बेटा भी डांसिंग हो रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज डांस करते 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 ज़िंदगी जिया, तो यहाँ पे उसका बेटा जो करंट है वो भी डांस करते करते पैदा होगी और ऐसे चलती जाएगी। तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई मुझे बता सकते हो, आई इक्वल टू क्या होगा, अगर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू क्या होगा, अरे यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अरे अगर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, अप्लाइड ई एम एफ कितना बताया आपने, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो भैया I आपको बताना है, तो I इक्वल टू कितना होता है, E बाई आर। तो कुछ नहीं यार, E में ई नॉट में R का डिवाइड कर दो, क्योंकि R का डिवाइड होगा, और साइन ओमेगा टी तो वैसे का वैसे ही बना रहेगा, और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा, करेंट, तो बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मेरे बच्चों करेंट की वैल्यू लिखो, कौन सी करेंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, आई इक्वल टू, ये देखो आ गई वैल्यू, ये देखो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कहो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। हर्षिता क्लियर है बेटा? यस सर। ओके,
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बेटा ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आ गई। चलो तो ये तो था आपने देखा साइन फ्लो, साइन फ्लो मतलब जीरो से शुरुआत हुए, ठीक है ना। अब अगर ई एम एफ कॉस से स्टार्ट होता तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंगल वही बना लो बिल्कुल थीटा के, वैसी वैल्यू डाल दो, टाइम पीरियड की भी वैसी वैल्यू डाल दो, और ये बना लो ई एक्सेस आई एक्सेस, एक में ई एम एफ है एक में करेंट है ना। मैं देखो यहाँ पे कैपिटल ई लिया है, बट मैं जो कहता हूँ कि जो चीज़ें दुनिया में संसार में बदलती हैं उनके लिए स्मॉल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ई का। तो आप कई सारी बुक में आप कैपिटल ई नहीं देखेंगे, वहाँ पर आप स्मॉल ई देखेंगे, फर्क नहीं पड़ता वैसे ज़्यादा, बट स्मॉल ही देखेंगे, तो देख के घबराना नहीं। ओके, अब देखिए कॉस का ग्राफ, कोसाइन वैल्यू हमेशा मैक्सिमम से शुरू होती है, क्यों? क्योंकि कॉस जीरो कितना होता है? वन। तो यहाँ से करंट शुरू होगी, ये देखिए यहाँ से ये वोल्टेज है, तो ये कौन सा फ्लो करेगा ग्राफ को? कोसाइन। तो पहले इसका नाम हो रहा था इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट अब इसका नाम होगा इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। और इसके ही जब बाप डांसिंग है तो बेटा डांसिंग होगा, करंट की वैल्यू आ जाओ भाई, ये देखो बन गई करंट, तो करंट क्या आ गई? आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, अल्टरनेटिंग करंट का। अब देख लीजिए यहाँ पे ई और आई क्या है, ई और आई करंट की वैल्यू है कहीं भी किसी क्षण पे, सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई और आई। ई नॉट और आई नॉट क्या है? ये है पीक वैल्यू, E नॉट आई वाई नॉट क्या है? ये पीक वैल्यू, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। टाइम क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम। और ओमेगा टी क्या होता है? फेज, डायनेमिक फेज, क्योंकि टाइम के साथ बदलता है। फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। तो नोट कर लो बच्चों। और ये सिंबल है एसी सोर्स का, एसी सोर्स कहीं पे भी लगाओगे, अभी तक डीसी लगाते थे तो क्या लगाते थे? दो डंडे की बैटरी, है ना, अभी क्या लगाओगे? ये ऐसे लगाओगे, या तो ऐसे लगा देना, और अगर ज़्यादा अच्छा डिजाइन मारना हो तो ये लगा देना। चलो मारो स्क्रीनशॉट, हालांकि देंगे पीडीएफ बाद में, फिर भी इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो कोई दिक्कत? यस सर डन। हर्षिता क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो जी ठीक है। अब ये हो गया, अब शुरू होता है चैप्टर, अब शुरू होता है चैप्टर कि एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। चलो तो पहले इसको थोड़ी सी अपनी भाषा में समझाऊं, तब आप लोग को फीलिंग आ जाएगी कि एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। ओके, अब हम बताते हैं आपको कि एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट। चलो समझो बच्चों जरा, ये मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग करेंट किसी सर्किट में इस्टेब्लिश है, ये करेंट है, एक करेंट की वैल्यू बदल रही है, तो ये मैंने लिखा ये टाइम के साथ बदलने वाली करेंट है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। क्यों बदल रही है? क्योंकि आपने सोर्स ऐसा लगाया, बैटरी ऐसी लगाई होगी कि करंट बदल रही होगी। आइए देखिए, ये बैटरी लगी हुई इस टर्मिनल के क्रॉस, ये एसी लगी हुई है मतलब बदलने वाली। तो पहले हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये टर्मिनल बिहेव करेगा प्लस का और ये टर्मिनल बिहेव करेगा माइनस का, और चार्ज जो फ्लो होगा, आपको पता है कि चार्ज जो फ्लो होता है हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि चार्ज के नाम पे कौन है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। चार्ज के नाम पे कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे कहाँ? ये ए ले लो, ये बी ले लो, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे बी से लेके ए, कब तक? आधे समय तक। ये है टोटल टाइम जीरो, ये है एक चक्कर के बाद टाइम टी, जिसको कहते हैं पीरियड, और ये हो गया आधा समय टी बाई टू। ओके, सो टोटल चार्ज फ्लो हो गया, मान लो कितना चार्ज फ्लो हो गया? क्यू, क्यू चार्ज फ्लो हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आइए, समय बदला, दिन बदले, मौसम बदला, और आ गया नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब ये बन गया माइनस और ये बन गया प्लस, ये आ गया नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब पोलैरिटी चेंज हो गई, मतलब ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस। अब जो चार्जेस इधर से बी से लेके ए जा रहे थे, अब कहाँ जाएंगे? ए से लेके बी, और जितने चार्जेस आगे की तरफ, पीछे की तरफ जा रहे थे, अब वो फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि एक साइकिल कंप्लीट होने पर टोटल चार्ज की मोमेंट कितनी बनी,
आप कहोगे टोटल चार्ज, बोले सर जितने गए उतने आ गए वापस, मतलब देखा जाए तो क्यू गए और क्यू वापस आ गए, तो टोटल कितने गए, जीरो गए भाई। आर पार कितने हुए, एक भी नहीं हुए। और करंट कब बनती है, जब आर पार हो, और यहाँ आर पार नहीं हो रहे हैं, तो टोटल एक साइकिल की करंट अगर आप बोलेंगे तो टोटल चार्ज, करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, क्यू बाई टी, तो टोटल चार्ज जीरो अपॉन टी, बोलो करंट की वैल्यू कितनी, जीरो। मतलब एवरेज करंट जो होती है एक साइकिल में कितनी होती है, जीरो। तो लिख लो कॉपी में, एवरेज करंट इन अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। चाहे एवरेज करंट बोल दो, चाहे एवरेज वोल्टेज बोल दो, वोल्टेज का भी यही हाल है। मतलब एवरेज वैल्यू करंट या वोल्टेज की एक साइकिल में कितनी होती है, जीरो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस राज। यस सर। हाँ नहीं आया समझ में सर, आ गया। सो भैया एवरेज करंट जो होती है एक साइकिल में जीरो होती है, ठीक है। तो एक साइकिल में तो करंट जीरो होती है, चलिए मगर हम आधे साइकिल में तो निकाल सकते हैं ना सर। एक साइकिल में तो जीरो हो गई, इन दोनों को लड़ करके जीरो हो गई, मगर आधे साइकिल में तो कुछ ना करंट जीरो, कुछ ना कुछ तो होगी। तो हम आधे साइकिल में करंट की वैल्यू निकालेंगे, एवरेज करंट निकालेंगे और एवरेज वोल्टेज निकालेंगे, कितने का, हाफ साइकिल का, ठीक है ना, कितने का, हाफ साइकिल का। तो हम हाफ साइकिल का एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हाफ साइकिल का एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं, निकालने को छोड़िए अब तो डायरेक्टली, क्योंकि रिजल्ट आना है आपको। तो बच्चों लिखिए, आपको हाफ साइकिल की करंट होगी आई एवरेज इक्वल टू, आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई बाई टू, ये लिखिए आई नॉट। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू। तो आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई बाई टू, तो और ज़्यादा इसको लिख सकते हो तो टू पल्टी मार के ऊपर आ जाएगा। मैंने पाई बाई टू इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद हो जाए, लोग इसको भूल जाते हैं, टू आई अपॉन टू आई नॉट अपॉन पाई को ये भूल जाते हैं, बट पाई बाई टू याद रखते हैं। ओके बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, ये एवरेज वैल्यू है। ऐसे वोल्टेज की एवरेज वैल्यू रटो बच्चों, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू वी नॉट अपॉन पाई बाई टू, दैट इज इक्वल टू टू अपॉन पाई इंटू वी नॉट, ये है वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, टू अपॉन पाई इंटू वी नॉट, ठीक है ना। अच्छा इसको सॉल्व करो, टू अपॉन पाई को कैलकुलेटर निकाल करके बेटा, टू अपॉन पाई मतलब 3.14, मालूम कितना आएगा, 0.637। इसकी वैल्यू टू अपॉन पाई की कितनी आएगी, 0.637। तो बेटा इसको लिख लो 0.6637 ऑफ आई नॉट, और ये क्या आएगा, 0.637 ऑफ वी नॉट, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज का 0.637। ठीक है, अच्छा यस। 0.637 कितना होता है, 63.7% ऑफ आई नॉट, ऑफ आई नॉट देख लो, 63.7% मतलब कितने जीरो, दो जीरो। तो अगर डेसिमल काटोगे तो ये डेसिमल उड़ के दो अंक पीछे आ जाएगा, तो यही बन जाएगा 0.637। तो 0.637 मतलब कितना, 63.7% ऑफ आई नॉट, और ये हो जाएगा 63.7% ऑफ वी नॉट, ये भी नोट कर लो। मतलब कि जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, जो आपका एवरेज वोल्टेज होता है, वो 63.7% होता है किसका, पीक वोल्टेज का, पीक वोल्टेज का। पीक वोल्टेज कैसे, ये देखो, ये एसी जा रही है, ये इसका पीक वोल्टेज है, ये है वी नॉट अधिकतम वोल्टेज, ये इसकी सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू है। अब इसका 63%, 63.7 मतलब लगभग 64 मान लो, तो बीच में 50% होगा, और थोड़ा सा उसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, 63.7%। मतलब थोड़ा इसको जूम करके मैं बनाऊँ अगर, तो अगर आप देखें इस ग्राफ को, तो अगर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट यहाँ पे सेट हो रही है, तो जो एवरेज वैल्यू सेट होगी वो यहाँ कहीं पर सेट होगी, ये है एवरेज वैल्यू, और वो कितनी है, वो है 63.7% किसका, वी नॉट का। सिमिलरली जो आई एवरेज है,
वो कितनी है 63.7% किसका ऑफ आई नॉट, मतलब अगर करंट जा रही है ऐसे इस तरीके से तो ये 100% है, ये इतना क्या है आई नॉट का 100%, इसका 63% यहाँ कहीं पर आएगा, तो यहाँ पर जो करंट सेट होगी वो कौन सी सेट होगी, एवरेज करंट। बोलें बच्चों क्लियर? यस सर। यस सर। ओके तो चलिए देखते हैं एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन बता देता हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन बताना मैं भूल गया आपको, अब डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी सर्किट में कोई एसी लगाई है, कोई एसी लगाई है कितने समय तक के लिए, मान लो 3 सेकंड के लिए तुमने कोई एसी लगाई। अब वो 3 सेकंड में वो जो एसी लगी हुई है कुछ ना कुछ चार्ज को उठा करके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पटक देगी, रख देगी ना, क्योंकि करंट का काम क्या होता है, चार्ज को कैरी करना। अब मतलब वो जो एसी है 3 सेकंड में कुछ ना कुछ चार्ज को उठा के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले आई, अब समझना फीलिंग को, उसी चार्ज को, उतने ही चार्ज को उठा करके उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पटकने के लिए उतने ही समय में उस एसी की तुलना में जो आप डीसी लगाओगे, पहले किसने काम किया था, एसी ने, अब कौन करेगा काम, डीसी, उतना ही काम करने के लिए जो डीसी करंट भेजोगे वो कहलाएगी उसकी एवरेज करंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार रिपीट कर दो। एसी करंट जितने टाइम में जितना चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ला के छोड़ देती है उतने ही चार्ज को उतने ही टाइम में डिलीवर करने के लिए जिस अमाउंट की डीसी की जरूरत पड़ेगी दैट अमाउंट ऑफ डीसी इज कॉल्ड एवरेज करंट फॉर दैट एसी। समझ में आया? यस सर। कुछ ऐसा समझ लो कि हमारे घर में कुछ काम चल रहा, रंगाई पुताई हो रही है, तो हमने बड़े दुबले पतले से 5 मजदूर लगा लिए। वे 5 मजदूर दुबले पतले हैं, रुक रुक करके काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। मैंने 3 दिन उनका काम देखा, मैंने देखा इन तीनों ने 4 दीवारें पोत दी हैं 3 दिनों में मिलकर के, 3 दिनों में। अब मैंने कहा मैं 1 मजदूर लगाता हूँ जो उन तीनों के बराबर काम जो है 3 दिन में अकेला आदमी कर दे, तो वो जो 1 मजदूर की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, उन 3 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका डीसी इक्विवेलेंट, जितना काम वो 3 मिलकर के कर रहे थे उतना काम ये 1 अकेला कर रहा है, तो वो थे एसी वाले और ये कहलाएगा डीसी वाला। मतलब जितना चार्ज सेम टाइम में वो पलट रहे थे टर्मिनल के क्रॉस उतना ही चार्ज ये पलटेंगे टर्मिनल के क्रॉस। पढ़ो हंसिका डेफिनेशन एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज दैट स्टेडी करंट विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज इज सेंट बाय द गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। यही बात बोली मैंने, टाइम सेम है, सर्किट सेम है और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करने के लिए जितनी करंट यूजेबल होगी दैट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, है ना? यस। तो फॉर्मूला मेनली देखिए, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया है, चाहे इसको मीन वैल्यू बोलो चाहे इसको एवरेज वैल्यू बोलो, क्या बताया मैंने, आई नॉट अपॉन पाई बाई 2, तो पल्टी मार करके क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन पाई, जिसको 63% बोलते हैं। देखिए ये लाइन अब कोई काम की नहीं है क्योंकि डेरिवेशन आपको आने नहीं है, कर भी लोगे तो केवल कोई मतलब ही नहीं करने का, तो मैं अब डेरिवेशन के पक्ष में नहीं हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, अभी मत करो डेरिवेशन, सीधे इस पे आ जाओ, ये फार्मूला आपको याद करना है। दूसरा, अगर हम बात करें एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये तो अल्टरनेटिंग करंट की तो वैल्यू लिखी भाई, अब वोल्टेज लिखना है, ये देखो भाई, हाँ ईएमएफ ही लिखा मैं, पढ़ करंट रहा हूँ, ठीक ना, तो बस ईएमएफ की जगह क्या कर दो, ई मीन कर दो, ई एवरेज कर दो या 2E0 कर दो, बस बिल्कुल सेम टू सेम बात है। हाँ
अगला मैंने बताया कि एक कंप्लीट साइकिल में, मतलब टाइम पीरियड जीरो से लेकर के अगर टी की बात करेंगे तो एक कंप्लीट साइकिल में वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अच्छा, ये किसकी वैल्यू दी गई है बच्चों? ये हाफ साइकिल की वैल्यू है। ये जो वैल्यू दी है ना, ये अपन लोगों ने किसकी दी है? हाफ साइकिल की। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेट किया अपन ने चार्ज को जीरो से लेकर टी बाई टू तक। तो नोट कर लें जल्दी से सभी लोग इसको, थोड़ा सा ये फॉर्मूले नोट कर लें बस। डन बंधुओं, समझ में आ गया सभी को? यस सर। बहुत अच्छे, डन। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है, लिखिए रूट मीन स्क्वायर करंट, है ना? अगली टॉपिक लिखिए रूट मीन स्क्वायर करंट, या इसी को बोलते हैं वर्चुअल करंट, है? अगला टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर करंट, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर करंट। दो होती हैं, या तो करंट की बात करोगे तो इसको नोट करते हैं आईआरएमएस, और अगर वोल्टेज की बात करोगे तो बोलते हैं बेटा इसको भी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये जो बच्चों, ये जो इस करंट का जो कंसेप्ट आया है वो आया है हीटिंग से। अब इसको अपनी बिल्कुल फेवरेट लैंग्वेज में समझो। मान लो कोई रेजिस्टेंस है, कितने ओम का? आर ओम का, और इसके अक्रॉस आपने क्या लगा रखी है? एसी। क्या लगा रखी है? एसी। और ये एसी आप जो है 50 सेकंड तक के लिए फ्लो करते हो। ये 50 सेकंड के लिए एसी से फ्लो होती है। तो मान लो इस कॉइल के अबाउट जो हीट जनरेट होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या जनरेट करता है? हीट। कितनी हीट जनरेट करता है? मान लो 500 जूल। कितनी हीट? 500 जूल। तो रेजिस्टेंस गिवन है, क्या क्या गिवन है? आर गिवन है, टाइम गिवन है। तो गिवन रेजिस्टेंस में, गिवन टाइम में, और हीट पता चल गई अपन को कितनी हीट जनरेट हुई, ठीक है? हीट पता चल गई अपन को कितनी हीट जनरेट हुई, है ना? हीट चलो पता चल गई जितनी भी है, 500 जूल मैंने दी है। अब सुनिए, अब कंपैरिजन पे आओ। क्या थी सिचुएशन? एक रेजिस्टेंस था आर, एक हमारे पास थी कौन सी करंट? एसी करंट, एसी वोल्टेज था, जिसकी वजह से यहाँ पे एसी करंट गई, और उस एसी करंट की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट जनरेट हुई। अब आ जाओ, अब जितना काम, जितनी हीट ये जनरेट हो रही है, उतनी हीट जनरेट करवाओ किससे? डीसी से। तो आपने उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसी टाइम पे उतनी ही हीट, जितनी हीट ये दे रहा था, कितने जूल? 500 जूल। उतनी ही हीट डेवलप करने के लिए जो करंट यहां से फ्लो होगी, कौन सी करंट? डीसी करंट। यहां पे कौन सी जा रही थी? स्मॉल आई है, मतलब एसी जा रही थी, और यहां पे कौन जा रही है? डीसी जा रही है। तो किसी सर्किट में एसी के कंपैरिजन में वो डीसी जो सेम रेजिस्टेंस से, सेम सर्किट से, सेम हीट डेवलप करे सेम टाइम में, डीसी की वो दमदार वैल्यू कहलाएगी, क्या कहलाएगी? आरएमएस करंट, आरएमएस वैल्यू कहलाएगी, या इसी को बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू, इसी को बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू। समझ में आया बच्चों की नहीं आया?
सर, एक बार सर, रिपीट कर एक बार दीजिए। फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लो आपके पास कोई रेजिस्टेंस है आर ओम का, आप उसमें से कुछ टाइम के लिए, मान लो 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए करंट को जान देते हो। कौन सी करंट? एसी करंट। और उस एसी करंट की वजह से हीट डेवलप होती है, मान लो एच। कितनी हीट डेवलप होती है? एच हीट डेवलप होती है। अब सेम सिचुएशन को देख लो, यही रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस है, उतने ही टाइम के लिए उसी रेजिस्टेंस में उतनी ही हीट डेवलप करने के लिए, ये जो आप यहाँ पे जो डीसी का डंडा फंसाओगे, वो डीसी का डंडा कहलाएगा भैया वीआरएमएस। और ये डंडा सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए जो करंट फ्लो करेगा, कैपिटल आई, डीसी वैल्यू इसलिए मैंने कैपिटल बनाया है, वो कहलाएगी आईआरएमएस। मतलब आपकी एसी और हमारी डीसी काम बराबर मिलेगा। पिछले बार चार्ज की एल्टी पल्टी के फॉर्म में मिल रहा था, इस बार हीट के फॉर्म में मिलेगा। सो दिस अमाउंट बिल्कुल सेम हीट जनरेट होगी, तो इसको बोलेंगे आरएमएस करंट। अब वैल्यू याद कर लो बच्चों, वी आरएमएस की नोट कर लो। वी आरएमएस होता है बच्चों वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू। वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट टू, दैट इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट 0.707 ऑफ पीक वोल्टेज। 0.707 ऑफ पीक वोल्टेज मतलब कितना? 70.7% ऑफ वी नॉट, 70.7%। आई आर एम एस कितना होगा? बिल्कुल वैसे का वैसे ही, आई नॉट बाई रूट दैट इक्वल टू 0.707 ऑफ आई नॉट, दैट इज इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक करेंट आई नॉट। ठीक है बंधु? ठीक है, मतलब ये यस पीक सर, करेंट का कितने परसेंट? 70.7, 70.7, मतलब एटलीस्ट 71% के आसपास मान लो। तो कैसा करंट समझो, इसकी फीलिंग लाओ। ये आपके पास एसी करंट जा रही है, ये इसका 50% है, ये इसका 100% है। पिछले बार कितना था? 64 पे सेट हुई थी कौन? एवरेज करंट। मगर 70% पे, 71% पे सेट होगी कौन सी करंट? आरएमएस करंट। तो ये जो करंट की वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ये कहलाएगी आईआरएमएस। और अगर ये वोल्टेज बन जाएगा एक्सेस, तो ये बन जाएगी वीआरएमएस। मतलब पीक करंट का, मैक्सिमम करंट का कितने परसेंट? 70% जो होगी, मैक्सिमम करंट का जो 70% होगी, वो आपकी बनेगी आरएमएस करंट। चलो डन, एनी प्रॉब्लम? नो चलिए तो अब आईआरएमएस को देख लेते हैं, ठीक है ना? आईआरएमएस की वैल्यू देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं, वर्चुअल करंट क्या होती है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। हंशिका पढ़िए, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू तीनों एक ही नाम है, चाहे रूट मीन स्क्वायर कह दो, चाहे वर्चुअल कह दो, चाहे इफेक्टिव कह दो। पढ़िए बेटा। रूट मीन स्क्वायर आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट इज दैट स्टेडी करेंट विच वुड प्रोड्यूस द सेम हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन ऑल्टरनेटिंग करेंट इन द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम। यस, मतलब डीसी की इफेक्टिव वैल्यू जो सेम टाइम में सेम रेजिस्टेंस में उतनी ही गर्मी उत्पन्न करे, उतनी ही हीट उत्पन्न करे, जितना कौन कर रही थी? एसी। समझ गए ना? जितना एसी हीट दे रही थी, उतनी ही हीट देने वाली डीसी वैल्यू, वो कहलाएगी आरएमएस करंट। ठीक है, यस। आरएमएस करंट का फॉर्मूला फाइनली बच्चों, ये फॉर्मूला काम में आएगा, ये आपको लिखना है, ये सब ऊपर का कुछ भी काम में नहीं आएगा, ये मेनली आपको काम में आएगा, ये नोट कर लीजिए। और वोल्टेज के लिए ये नोट कर लीजिए। हाँ, और इसके एडिशन में एक बात बताना चाहूँगा कि बच्चों, जितने भी हमारे गैल्वेनोमीटर, एमीटर और जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ये सभी के सभी हीट बेस्ड होते हैं, मतलब जूल्स लॉ बेस्ड होते हैं। तो इसलिए इनको हम हॉट वायर मीटर भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है हॉट वायर मीटर। हॉट वायर मीटर इसलिए क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट के कंसेप्ट पे काम करते हैं। अगर आप कहते कि सर ये एवरेज वैल्यू पे काम करते, तो बेटा वो कांटा टस से मस कुछ ना होता, क्योंकि करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है? जीरो। इसलिए वो काम ना करते,
एसी पे, मगर उनको बनाया गया है किस पे, हीट बेस। तो हीट का फंडा ये है कि करंट अगर प्लस से माइनस जाएगी तो भी बनेगा गर्मी, और अगर माइनस से प्लस जाएगी तो भी बनेगी गर्मी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि करंट आगे गई तो रेजिस्टेंस बोला लो गर्मी और फिर पीछे आई तो बोला लो ठंडा, ऐसा नहीं है। करंट तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी जाएगा तो वो टकराएगा मटेरियल से और क्या क्रिएट करेगा, गर्मी। तो इसलिए इनको मीटर को जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सारे किस कौन सी करंट पर ऑपरेट होते हैं, आरएमएस करंट पर। तो ये आरएमएस करंट पर ऑपरेट होते हैं, ये आरएमएस वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, इसलिए ये हीट बेस्ड होते हैं और इनको हम हॉट वायर मीटर बोलते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूले दो नोट कर लीजिए, नोट पढ़ो हंसी का। पहला नंबर रूट मीन स्क्वायर, root mean square value of alternating current of EMF can be calculated over any period of the cycle since it is based on the heat energy produced. Second, do not use the above formula in the time interval under the consideration is less than one period. यस एग्जैक्टली, डू नॉट यूज़ अवर फार्मूला इफ़ द टाइम इंटरवल कंसिडरेशन, अगर एक से लेस पीरियड के लिए है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि डिराइव करते समय देखिए मैंने यहाँ जीरो टू टी में इंटीग्रेट किया है, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट किया है। चलिए तो बच्चों ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है ना। अब एक ग्राफ देख लेते हैं। अब इस ग्राफ में देखिए ये सिंपल सादा ग्राफ है जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। इसमें क्या है भैया, करंट दिख रही शायद मेरे ख्याल से ईएमएफ है, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वो देखो सबसे ऊपर ई नॉट यानी पीक वैल्यू धूम मचा रही है, उसके नीचे 70% पे एक और धूम मचा रहा है भैया, वो वर्चुअल वैल्यू आरएमएस वैल्यू, और उसके नीचे धूम मचाने के लिए तैयार है कौन, 63% पर एवरेज वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू जो होती है वो होती है एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, उसके ऊपर होती है आरएमएस वैल्यू। ये देखिए तीनों वैल्यू आपको लिख दी गई हैं टिप्स। हाँ, अब चलिए अब आपसे बात की जाए कि जो आपका 230 वोल्ट आता है वो एक्चुअली आपको 230 वोल्ट जो आपको आता है ना वो आपको कितना लगेगा, आपको जो 230 वोल्ट आता है वो आपको कितना लगेगा। देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है इसमें, द गिवन वैल्यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ करेंट आर वर्चुअल वैल्यूज़ अनलेस स्पेसिफाइड। बेटा देखो जैसे आप मार्केट में गए, उन्होंने बोला कि ये 220 वोल्ट एसी है। 220 वोल्ट क्या है, एसी है भाई साहब, सुनिए 220 वोल्ट अगर एसी लिखा हुआ है इसका मतलब वो जो आपको वैल्यू दे रहे हैं वो आरएमएस वैल्यू दे रहे हैं। कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, आरएमएस वैल्यू दे रहे हैं, मतलब इसका पीक वैल्यू इससे भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आरएमएस पर 220 है और 200 मतलब 70% है 220, तो 100% तो और ज़्यादा होगा। ये तो 70% का कमाल है, 230 दिख रहा है इसमें, तो इसका पीक वैल्यू और ज़्यादा होगा। आया समझ में। अगला तो मैंने बता दिया कि इनको हॉट वायर मीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जूल्स लॉ पे काम करते हैं। और तीसरा, ये जो कांटे होते हैं, जनरल नॉलेज की बात है आएगा नहीं, ये जो कांटे होते हैं इनके गैल्वेनोमीटर के एमीटर के, ये बराबर बराबर दूरी पे नहीं बने होते हैं। इनका जो स्केल होता है वो इक्वली कैलिब्रेटेड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हीट जो होती है वो वर्चुअल करंट के प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर के, आई प्रोपोर्शनल टू। तो द स्केल ऑफ डीसी मीटर इज लीनियरली ग्रेजुएटेड वेयर द स्केल ऑफ एसी मीटर इज नॉट इवनली ग्रेजुएटेड बिकॉज एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। समझ में आया बच्चों ये पूरा टॉपिक कि नहीं आया? यस सर। चलिए यस सर, आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है ना, इतना करके रखिए। चलिए थैंक यू बच्चों। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।